हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल आर फाइन। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम हमारी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं, न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम इसका पूरा बेसिक पढ़ेंगे कि इस चैप्टर के अंदर है क्या। दिस चैप्टर इज़ फुली बेस्ड ऑन ए सिंगल फार्मूला, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ऑन ए सिंगल फार्मूला, पूरे एक ही फार्मूला है जिस पे पूरा डिपेंड है प्रोबेबिलिटी, कि नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या है फार्मूला? नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फार्मूले से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि जो क्वेश्चन आएगा इसका, जब भी सॉल्यूशंस हम करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमेशा फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा? फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवेंट है जो हमेशा आएगा वो या तो वन हो सकता है या ज़ीरो हो सकता है या लेस देन इक्वल्स टू वन हो सकता है। ओनली तीन कंडीशंस हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो? उसका जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आएगा वो मे बी ज़ीरो, मे बी ज़ीरो, मे बी वन, मे बी लेस देन इक्वल्स टू वन। अभी हम यहाँ पे तीनों को एक्सप्लेन मैं आपको करके दिखाऊंगा, किस कंडीशन में वो ज़ीरो आता है, किस कंडीशन में वन आता है और किस कंडीशन में लेस देन इक्वल्स टू वन आता है। कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवेंट है वो कभी भी ग्रेटर देन वन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कभी भी ग्रेटर देन वन नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है पी ऑफ ई, पहले हम फार्मूला समझते हैं उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे। अभी हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अभी हम कुछ एग्जांपल्स लेके आज इसको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या है पी ऑफ ई? दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। जिस भी इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं वो पी ऑफ ई इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी किस नंबर के फेवर में हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अपॉन में टोटल, जितना भी टोटल हमारे पास है उसमें से किसके फेवर की हम प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कर रहे हैं वो। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर, हमेशा जो डिनोमिनेटर आएगा वो बड़ा आएगा किससे? न्यूमिनेटर से। ठीक है, हमेशा डिनोमिनेटर बड़ा होगा किससे? न्यूमिनेटर से। कभी भी न्यूमिनेटर बड़ा नहीं होगा किससे? डिनोमिनेटर से। क्लियर? अब हम कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स लेते हैं, उससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर होगा कि ये है क्या। ठीक है, सपोज करो कि हमने, हमारे पास कॉइन है। अभी हम एक कॉइन की बात करते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक कॉइन है। ठीक है, आपने उस कॉइन को टॉस किया। ठीक है, क्या किया उस कॉइन को आपने? टॉस किया। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है? जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास वो फुल्ली बेस्ड ऑन पॉसिबिलिटीज़, वो पूरा पॉसिबिलिटी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, हमने क्या कहा अभी एक एग्जांपल में कि सपोज आपके पास एक कॉइन है, आपने उस कॉइन को टॉस किया। ठीक है, तो एक सिंगल कॉइन लेना, आप उसको टॉस करना, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगी? हो सकता है कि हेड आ जाए, मे बी हेड। सपोज आपने फर्स्ट टाइम कॉइन को ट्रायल किया, दैट मीन्स मे बी हेड। सेकेंड टाइम आपने उसको और टॉस्ड किया, मे बी टेल। ठीक है, एक कॉइन आपने उसको टू टाइम टॉस किया। ठीक है, तो वन कॉइन आपने एक बार उस कॉइन को टॉस किया, क्या आ गया? हेड भी आ सकता है। उसी कॉइन को टॉस करने पे क्या आ सकता है? टेल भी आ सकता है। एक कॉइन को टॉस करने पे दो ही पॉसिबिलिटी आ सकती हैं, कौन कौन सी? या तो वो हेड हो सकता है या वो टेल हो सकता है। ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास हो गए, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो आपके पास हो गए वो कितने हो गए बेटा? टू। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास कितने हो गए? टू। अब वो कहते हैं कि आपको जो प्रोबेबिलिटी बतानी है वो बतानी है कि हेड क्या हो, हेड कितनी टाइम्स उसमें आ सकता है। जब आपके पास कॉइन है कि आपने उसको टॉस किया, तो हेड कितनी बार आया उसमें? ओनली ए सिंगल टाइम। तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2। क्या हो जाएगी? 1/2। टेल है, यदि टेल की पूछे तो 1/2 टेल की हो जाएगी, क्योंकि टेल भी ओनली ए सिंगल टाइम आ रहा है। तो दो ही पॉसिबिलिटी थी, हमने दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ निकाल दी। यदि आपको चेक करना हो कि आपने जो पॉसिबिलिटीज़ थी
उन सभी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर दी, तो उन दोनों का सम करके देख लीजिए। हाफ और हाफ को यदि आप ऐड करोगे तो बेटा आपके पास कितना आएगा, वन। कितना आएगा आपके पास, वन। जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लो। यदि वो प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करने के बाद आपके पास सम वन आ जाए, दैट मीन्स आपका पूरा क्वेश्चन करेक्ट है। ठीक है, ये तो हुआ ओनली ए सिंगल कॉइन, आपके पास एक कॉइन के ऊपर बात हो गई। सपोज अब हम मान लेते हैं कि आपके पास टू कॉइन्स हैं। आपके पास कितने कॉइन्स हैं, टू कॉइन्स हैं। यदि मैं टू कॉइन्स को टॉस करता हूँ, ठीक है, अब मैं कितने कॉइन्स को टॉस करता हूँ, टू कॉइन्स को, ठीक है, मैंने टू कॉइन्स को टॉस किया, ठीक है, टू कॉइन्स आर टॉस टूगेदर, टू कॉइन्स को मैंने एक साथ टॉस कर दिया। तो जब मैंने टू कॉइन्स को एक साथ टॉस कर दिया, हो सकता है बेटा दोनों में हेड आ जाए। पॉसिबल है कि मैंने दोनों कॉइन्स को एक साथ टॉस किया, दोनों में हेड आ सकता है। ये भी हो सकता है बेटा दोनों में टेल आ जाए। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक कॉइन हेड आ रहा है, एक टेल आ रहा है। एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक टेल आ रहा है, एक हेड आ रहा है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी टू कॉइन्स की, कि मैं टू कॉइन्स को एक साथ टॉस करूं तो और कुछ मिल जाए। तो ओनली फोर पॉसिबल आउटकम्स, कौन कौन से, मे बी दोनों में हेड आ जाए, मे बी दोनों में टेल आ जाए, मे बी एक में हेड एक में टेल आ जाए, मे बी एक में टेल दूसरे में हेड आ जाए। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास यहाँ पर कितने हो गए, फोर। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास कितने हो गए, फोर। ठीक है, अब जो मैं पॉइंट करने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। ठीक है, मैं कहता हूँ कि आपको टू हेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है, जिसके अंदर टू हेड आ रहे हैं आपको उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, तो टू हेड्स कितनी टाइम्स आ रहे हैं, ओनली इसके अंदर टू हेड्स आ रहे हैं। ठीक है, ओनली इसके अंदर कितने हेड्स आ रहे हैं, टू हेड्स आ रहे हैं। कितनी टाइम्स ओनली है, वन टाइम। तो टू हेड की जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो कितनी हो गई, वन बाई फोर। कितनी हो गई, वन बाई फोर। सेम वे में यदि वो कहे कि टू टेल्स, तो टू टेल्स इसमें आ रहे हैं, तो टू टेल्स की प्रो वन बाई फोर। ठीक है, ये तो एग्जैक्ट हो गए कि दो टेल हों या दो ही हेड हों, ये तो उस उसकी पॉसिबिलिटी हो गई। अब जो मेन पॉइंट आता है वो आता है एटलीस्ट टू हेड या एटलीस्ट वन हेड। तो पहले मैं बात करता हूँ एटलीस्ट वन। एटलीस्ट कम से कम, एटलीस्ट मीन्स कम से कम। यदि मैं ये कहूँ कि आपको जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो करनी है एटलीस्ट वन हेड, किसकी, एटलीस्ट वन हेड। तो वन हेड जिस जिस में आ रहा है वो, ठीक है, एटलीस्ट कम से कम एक तो होना ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा है तो भी वो इसमें इंक्लूड होगा, एक से कम वाला उसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन यानी कि कम से कम एक हेड तो होना ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा हेड है तो भी वो उसमें अप्लाई होगा। तो एटलीस्ट वन हेड कौन कौन सा होगा, पहले तो वो देख लीजिए। पहले तो वन वाला देख लो, वन हेड किस किस में आ रहा है, एक इसमें है एक इसमें है। तो ये तो हो गया वन हेड ओनली, लेकिन मेरा क्वेश्चन था एटलीस्ट वन यानी कि कम से कम एक हेड। तो कम से कम एक हेड तो ये हो ही गया, एक से ज़्यादा भी यदि है तो भी वो उसमें इंक्लूड होगा, यानी कि दो हेड वाला भी इंक्लूड होगा। तो टोटल कितने हो गए, वन टू थ्री, ये किसके हुए, एटलीस्ट वन हेड के। किसके हुए, एटलीस्ट वन, कम से कम एक हेड। कभी भी जो इसका डिनोमिनेटर है यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो एक ही क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में चेंज नहीं होगा, वो सेम चलता जाएगा। ठीक है, सेम वे में यदि मैं क्वेश्चन आपको कहूँ कि एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल, तो वन टेल किस किस में है बेटा वो देख लेते हैं। तो वन टेल किस किस में है, पहले तो इसमें भी है इसमें भी है, ये तो हुआ एक हेड, लेकिन मेरा क्वेश्चन था एटलीस्ट वन टेल। तो वन टेल तो हो ही हो, उससे ज़्यादा वाला भी है तो भी वो उसमें इंक्लूड होगा, तो उससे ज़्यादा ये हो गया। तो ये भी कितने हो गए, थ्री बाई फोर। कितने हो गए, थ्री बाई फोर। क्लियर, अब बात आती है एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा। अब मेरा क्वेश्चन मैं चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ एटमोस्ट वन हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही हेड हो, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक हो या एक भी ना हो वो इंक्लूड होगा किस में, एटमोस्ट में। ठीक है,
तो सपोज मेरा क्वेश्चन है एटमोस्ट वन हेड. क्या क्वेश्चन है? एटमोस्ट वन हेड. तो एटमोस्ट वन हेड में भी हम वही देख लेते हैं जिसमें वन हेड आ रहा है, लेकिन ये तो ओनली वन वाला ही हुआ. एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स एक हेड तो हो ही हो जिसमें एक भी नहीं हेड आ रहा, यानी कि जिसमें दोनों टेल आ रहे हैं वो भी इंक्लूड हो गया. तो इसकी पॉसिबिलिटी भी कितनी हो गई? 3/4. ठीक है, जो सेम वे एटलीस्ट का है उसी के अकॉर्डिंग ही एटमोस्ट कहा जाता है. क्लियर? अब बात करते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ जो हमारे पास, हम स्टार्टिंग में आपको बता रहे थे कि ज़ीरो किस कंडीशन में होती है और वन किस कंडीशन में होती है, लेस देन वन किस कंडीशन में. तो लेस देन वन आपके सामने आ चुका है कि लेस देन वन तो जितना भी टोटल हमारे पास है उसमें से भी किसी की भी पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, किसी की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो वो उसी में से ही निकल के आएगी. ठीक है, जैसे अभी मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, बहुत ही अच्छा सा एग्ज़ाम्पल. सपोज़ हम हमारी क्लास रूम पर ही चलते हैं. सपोज़ आपकी क्लास में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 40 है, 40 स्टूडेंट्स हैं. कितने स्टूडेंट्स हैं बेटा? 40. ठीक है, इसमें से जो बॉयज़ हैं वो 21 बॉयज़ हैं और 19 वो कह रहा है क्या हैं? गर्ल्स. 21 तो क्या है? बॉयज़ हैं और 19 क्या हैं? गर्ल्स हैं. ठीक है, हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, वो कह रहा है कि बॉयज़ की फाइंड आउट करनी है. किसकी फाइंड आउट करनी है? बॉयज़ की. तो बॉयज़ कितने हैं? 21. ये लीजिए, तो प्रोबेबिलिटी 21/40. गर्ल्स की फाइंड आउट करनी है तो 19/40. तो जब नोमिनेटर बड़ा है, नोमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, दैट मीन्स जो आपका फ्रैक्शन, जो भी आंसर आएगा वो लेस देन वन आएगा. वो क्या आएगा? लेस देन वन आएगा. ठीक है, अब मैं ये कहूँ, इसी क्वेश्चन पे आता हूँ कि 40 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, जो 21 बॉयज़ हैं आपके पास जिसमें से 19 क्या हैं? गर्ल्स हैं. ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ आपके पास कि जो गर्ल्स हैं वो 19 हैं. ठीक है, यानी कि 1 से लेके 19 रोल नंबर तक जो हैं, रोल नंबर कहाँ से कहाँ तक? 1 to 19. मैं ये कहूँ कि जो 1 से 19 रोल नंबर आपके पास हैं, ठीक है, वो गर्ल्स के हैं. क्लियर? तो हमें जो प्रोबेबिलिटी बतानी है वो कह रहा है कि जिस गर्ल्स का रोल नंबर 20 है हमें उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए. जब गर्ल्स ही आपके पास बेटा 19 है, ठीक है, 1 से लेके 19 रोल नंबर्स तक आपके पास गर्ल्स हैं, 20 पे आपके पास गर्ल्स है ही नहीं, दैट मीन्स जब 20 रोल नंबर पे गर्ल्स है ही नहीं तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? 0. यानी कि 0/40, दैट मीन्स ज़ीरो. यानी कि नॉट पॉसिबल, कि वो पॉसिबल ही नहीं है. जब रोल नंबर ही आपके पास 1 to 19 गर्ल्स हैं तो 20 रोल नंबर पे गर्ल्स है ही नहीं, यानी कि जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी. ठीक है, जैसे हम एक कॉमन सा एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है. सपोज़ कोई भी एक एनिमल हमने ऐसा ले लिया, सपोज़ हमने कह दिया कि एक काऊ है. ठीक है, क्या है? एक काऊ है. हम एक ओनली एक ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं जो कि इम्पॉसिबल है, और कभी भी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 से ग्रेटर नहीं होगी, एक बात, और दूसरा नेगेटिव नहीं होगी. और क्या नहीं होगी? नेगेटिव नहीं होगी. ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कभी भी क्या नहीं होगी? ग्रेटर देन 1 नहीं होगी और नेगेटिव नहीं होगी. ठीक है, अभी हम जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज गाय है. ठीक है, वो कहता है कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि यदि वो फ्लाई कर रही हो तो क्या ये पॉसिबल है कि काऊ फ्लाई करे? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल. जब वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, दैट मीन्स वो इम्पॉसिबल है. तो इम्पॉसिबल जो इवेंट होगा, उस इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी? 0 होगी. क्या होगी इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी? 0. क्या होगी बेटा? 0. क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज हमने आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेके समझाया इस क्वेश्चन का. ठीक है, कल हम इस जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा उसके अंदर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 15.1. ओनली एक ही एक्सरसाइज है,
उसको बहुत अच्छे से हम इसको समझ के करेंगे. ओके स्टूडेंट, गुड लक एंड टेक केयर, बाय.